ओम शांति। नमस्कार। एक बार फिर से इस गीतांजलि कार्यक्रम में आप सबका अभिवादन, अभिनंदन और हृदय से सत्कार। पवित्र मन ही वाणी और चरित्र में निर्मलता लाती है। निश्चल हृदय ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। पवित्रता ईमान है, भगवान का वरदान है और पवित्रता ही हमारे जीवन का श्रृंगार है। तो आइए आज के इस गीतांजलि कार्यक्रम को देते हैं नाम पवित्रता का। पवित्र जीवन क्या है, निर्मल वाणी क्या है, शुद्धता क्या है और निश्चल हृदय क्या है, इन सब बातों को मधुर सुंदर निराले गीतों के माध्यम से जानते हैं। तो आ रहा है पहला गीत लेकर मधुर बोल, पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो। पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, जन्म बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार, तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है
वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। बहुत खूब। इस गीत को जितना सुनने में मधुर और सरल अनुभव हो रहा है, उतना ही श्रेष्ठ और उच्च शिक्षाएं जीवन की समाई हुई है। गीतकार ने बड़े निश्चय के साथ यही बोला है कि आदर्श व्यक्ति की पहचान और आधार पवित्रता ही है। जब मन के संकल्पों में हम पवित्रता को, शुद्धता को धारण कर लेते हैं, तो शरीर का एक एक कर्मेंद्रिया भी शीतल, शांत और शुद्ध हो जाते हैं। आंखें जब पवित्र बन जाती हैं, तो आंखें निर्मल विमल बन जाते हैं, अर्थात पारदर्शी बन जाते हैं। ये आंखें इस स्थूल शरीर को ना देख करके शरीर के अंदर चमकती हुई पवित्र आत्मा को ही देखने लग जाती हैं। वाणी जब पवित्र बन जाती है, तो वाणी मधुर और सरल निर्मल बन जाती है। और कर्म जब पवित्र हो जाते हैं, तो कर्मों में निर्मानता आती है, निर्विकारिता आती है। ऐसे श्रेष्ठ उच्च कोटि की शिक्षाएं इस गीत के माध्यम से प्राप्त हुआ। चलते हैं अगले गीत की ओर, जिनके बोल हैं पवित्रता के हृदय कुंज में। सुगंध से
बहुत सुंदर गीत। सचमुच इस गीत के एक एक बोल के अंदर बहुत ही रहस्यमय बातें समाई हुई हैं। तो क्या रहस्यमय बातें हैं? पहला रहस्य तो ये है कि मन की पवित्रता का आधार ही आत्मा की पवित्रता है, क्योंकि आत्मा की एक शक्ति का नाम मन है। और आत्मा पवित्र तब बन जाएगी जब ये स्मृति स्वरूप में रहेगी आत्मा कि मेरा आदि और अनादि स्वरूप ही पवित्रता है, मेरा निजी स्वरूप ही पवित्रता है। ये बात इस गीत के माध्यम से स्पष्ट हुआ। दूसरा रहस्य की बात ये है कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, और इसीलिए गीतकार ने कहा, इसी में शांति की छाया है और इसी में सुख की धूप है। और जब आत्मा पवित्र बन जाती है तभी ऑटोमेटिकली सुख और शांति की अनुभूति होती है। तीसरा रहस्य की बात यही है कि पवित्रता की शक्ति से ही निश्चय की शक्ति आती है, और निश्चय की शक्ति से ही आत्मा निश्चित विजय को प्राप्त कर पाते हैं, और इसी निश्चित विजय से आत्मा निश्चिंत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे कई रहस्यमय बातें इस गीत के माध्यम से स्पष्ट हुआ। चलते हैं अगले गीत की ओर, जिनके बोल हैं, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है।
मित्रता के राह पर। पवित्रता के राह पर हमको चलते जाना है, पवित्रता के राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है, जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है, पवित्रता की राह पर। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो, सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता के राह पर हमको चलते जाना है, पवित्रता के राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है, जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है, पवित्रता की राह पर। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है, हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है, हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता का झंडा, पवित्रता का झंडा हर दिल पे लहराना है, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है, जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब गीत अभी हमने सुना। यह गीत हमें हमारे जीवन की सच्चाई से रूबरू करा रहा है और यही कह रहा है कि जीवन की राह है पवित्रता और जीवन की मंजिल है संपूर्ण पवित्रता।
संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बताते हुए यही कह रहा है कि मन का एक एक संकल्प, मन का एक एक विचार शुद्ध हो, पवित्र हो, दृष्टि निर्विकारी हो और भावनाएं सदा बेहद की हो। सब अपने हैं और सभी हमारे ही परिवार समान हैं। यही संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा है और साथ साथ यही बात स्पष्ट कर रहा है कि पवित्रता ही सर्व गुणों की खान है। अर्थात जब हम पवित्र जीवन जीना शुरू करते हैं तो एक एक गुण धीरे धीरे हमारे जीवन में आने लगती हैं। बहुत सुंदर संदेश इस गीत के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। अब चलते हैं अंतिम गीत की ओर, जिसके मधुर बोल हैं पवित्रता के हे मंत्रदाता। पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों।
बहुत सुंदर, ये मधुर सुंदर निराले गीत उस परमात्मा सतगुरु को अर्पण है, जो परमात्मा जिन्होंने हम सब आत्माओं को ऐसे पवित्रता का महामंत्र दे करके नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी समान बना दिया है। अर्थात पवित्रता एक ऐसी शक्ति है जो साधारण मनुष्य आत्माओं को भी देवतुल्य बना देने वाला है। इसलिए इस गीत में बहुत सुंदर शब्दों से ये बात कही है कि हे दाता, हे प्रभु, आप पर हमारी लाखों एहसान हैं, जो न केवल एक जन्म के लिए परंतु कई जन्मों के लिए आपने इस पवित्रता के मंत्र के द्वारा हमें ऐश्वर्यशाली बना दिया, संपन्न और संपूर्ण बना दिया है। क्या आप भी इस पवित्रता के मंत्र को आत्मसात करना चाहेंगे? क्या आप भी अपने जीवन को देवतुल्य जीवन बनाना चाहेंगे? तो आइए शुरुआत करते हैं अपने मन से। आज से हम अपने मन में पवित्र शुद्ध विचारों की संरचना करें और अपने मन को सुमन अर्थात सुंदर मन बनाएं। यही सुमन संपूर्ण विश्व को अवश्य ही महकाएगा और इसी पवित्र आश के साथ आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और प्रणाम करते हैं और आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए ओम शांति और नमस्कार।